राजस्थान में भी कोरोना का जो ग्राफ है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज 67 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और इसी के साथ जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में है वो 14,997 हो चुकी है। जयपुर में आज 28 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, धौलपुर में 10, अजमेर झुंझुनू की अगर बात करें तो 6, कोटा में भी 6, दौसा में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले, टोंक में 2, सिरोही में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला, अन्य राज्यों के 3 लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिले और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ। इस बीच आज वर्चुअल जागरूकता अभियान की लॉन्चिंग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और उन्होंने प्रदेशवासियों से एक ही अपील की है और वो ये है कि जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता अभियान का आगाज भी हुआ है 10 दिनों के लिए और 10 दिन में यही प्रदेशवासियों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक रहें, तभी इस महामारी से बच पाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल तय नहीं है कि इसे कम होना है या फिर ये इसका जो ग्राफ है वो और बढ़ता जाएगा, जागरूकता एकमात्र उपाय इसका है। हालांकि प्रदेश सरकार हमेशा उपलब्ध रहेगी, हमेशा मदद के लिए आगे आती रहेगी, ये मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, लेकिन इस बीच खुद का जागरूक होना बहुत जरूरी है। दौसा से फिलहाल हमारे संवाददाता महेंद्र मीणा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कौन ये लोग हैं जो आज सामने आए हैं? किसी पर्टिकुलर कस्बे से आते हैं या फिर कहीं बाहर से आए हुए लोग थे या फिर एक ही परिवार के लोग, कौन ये हैं? बिल्कुल जी, बताना चाहेंगे। जिस तरह से ये प्रवासी लोग आ रहे हैं बाहर से, इनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में जिले में करीब 110 कोरोना पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं, वह काफी को रिकवर हो चुका है, वहीं काफी लोगों का इलाज अभी इस जिला अस्पताल में जारी है। वहीं जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं उनका ये कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में चिकित्सा विभाग भी लगातार स्क्रीनिंग व जांच करने में लगा हुआ है। वहीं कहीं ना कहीं दौसा जिले में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, इससे चिंताएं बढ़ रही है। वहीं आने वाले टाइम में भी कोरोना से संख्या बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आंकड़ों की बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही है। आज 67 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में सामने आए, लगातार कोरोना का संक्रमण प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, तमाम कार्य जो हैं वो मुस्तैदी से किए जा रहे हैं, चिकित्सा विभाग भी लगातार मुस्तैद है, प्रशासन भी अलर्ट है और लगातार जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहा है। लेकिन इस बीच जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है वो हम सब की है कि हम जागरूक रहें और साथ ही अपने आसपास के लोगों को अगर लापरवाही बरतते हुए हम देखें तो उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि कोरोना का प्रकोप कम नहीं हुआ है, आगे बहुत ज़्यादा ये संक्रमण फैल सकता है, तो इसीलिए हमें खुद जागरूक होना होगा, तभी हम बच पाएंगे, हमारा परिवार बच पाएगा, साथ ही हमारा देश बच पाएगा। 10 दिन के अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग आज हुई, सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह लॉन्चिंग की और उसके बाद प्रदेशवासियों से अपील भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की कि लगातार सरकार आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगी, लेकिन आपकी मदद की अभी जरूरत है, आपको जागरूक रहना है, अपने परिवार को जागरूक रखना है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच आज जो जागरूकता अभियान है उसकी भी लॉन्चिंग हो गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि सरकार तो हमेशा मौजूद रहेगी लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी है। अभी जो आंकड़े देखिए, लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, कहाँ कहाँ से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जन जागरूकता काफी जरूरी है। इसी को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से फिर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला जाएगा। इस दौरान जो प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर जो सीएमएचओ स्तर, साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जाएगा। बात करें कोरोना के पॉजिटिव केसेस की, तो लगातार जिस तरह से बीते 4 से 5 दिनों बात करें तो 300 से अधिक जो आंकड़े हैं प्रतिदिन वो सामने आ रहे हैं। आज सुबह की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 67 कोरोना पॉजिटिव आज सुबह सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक जो कोरोना पॉजिटिव जयपुर में, 28 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आए हैं। तो ऐसे में बात करें तो प्रदेश में अब तक 14,997 यानी कि 15,000 के करीब जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। ऐसे में जो मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश में अब तक 349 जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि जिस तरह से प्रदेश
कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें रिकवरी रेट लगातार अच्छी नजर आ रही है और प्रदेश पहले पायदान पर नजर आ रहा है रिकवरी रेट में। और अब तक बात करें तो 11,661 जो कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो चुके हैं, इनमें से ठीक होने पर 11,421 जो कोरोना पॉजिटिव है उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हालांकि जो एक्टिव केसेस की बात करें तो अब जो एक्टिव केसेस हैं वो 2,987 प्रदेश में एक्टिव केसेस हैं। हालांकि बीते 4 से 5 दिन की बात करें तो लगातार फिर से एक बार जो प्रवासी जो लोग हैं उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जो रिकवरी जो रेट है वो लगातार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और प्रदेश में अब तक जो 4,272 जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि जयपुर में सबसे अधिक अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में अब तक जो 2,885 जो कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा भी जयपुर में सबसे अधिक है और जयपुर में अब तक 149 जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव जो रिकवरी रेट है वो जयपुर में अच्छी खासी देखी जा रही है और अब तक 2,248 जो कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो चुके हैं। इनमें से सभी जो ठीक होने पर 2,248 को डिस्चार्ज कर दिया गया है जो एक राहत भरी खबर है। साथ ही एक्टिव केसेस की बात करें तो अब जयपुर में 488 एक्टिव केसेस हैं और जो इसमें प्रवासियों की बात करें जयपुर में तो जयपुर में अब तक 140 जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव प्रवासी आ रहे हैं या फिर जो प्रदेश के जो या फिर जो जयपुर के जो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें जो बिना लक्षणों वाले पॉजिटिव मरीज है वो काफी देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से फिर से एक नया इंसेंटिव किया जा रहा है इसमें ये किस तरह से उनको इलाज किया जाए। तो ऐसे में होम आइसोलेट करके इलाज की जो नई पद्धति है वो अपनाई जा रही है और जिस तरह से SMS अस्पताल जो पहले जो कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया था या फिर SMS मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से कोरोना को लेकर जो रिसर्च की गई थी उसका यह जो देखने को मिला है कि प्रदेश के साथ साथ देश भर के जो डॉक्टरों ने उसी फॉर्मूले के अनुसार मरीजों को ठीक किया जो एक प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार कोरोना के इलाज के लिए प्रदेश सरकार मुस्तैद है, चिकित्सा विभाग लगातार अलर्ट होकर जो अपनी जिम्मेदारी है वो निभा रहा है और साथ ही एक अपील भी लोगों से की गई है होम आइसोलेट लोगों को करने की, क्योंकि जिस प्रकार से संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा भीड़ अस्पताल में इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक अपडेट के साथ में। राजेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कहां कहां से ये जो अभी कोरोना के पेशेंट है सामने आ रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर कल की बात करें कोरोना पॉजिटिव की तो कल यहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया था जी। मगर जैसे ही आज सुबह की शुरुआत हुई तो 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। बजरंग नगर से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए जिसमें से 3 मेल है और 1 फीमेल है। साथ में एक 50 वर्षीय जो मेल है वो पोटरी से पॉजिटिव आया है और 45 वर्षीय एक मेल रायपुरा से आया है। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा कोटा में भी बढ़ता जा रहा है। मगर अगर कोटा की बात करें तो कोटा में जो डिस्चार्ज का लेवल है वो भी काफी हद तक बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वहीं लगातार कोरोना पॉजिटिव की जो हालात है वो भी कहीं ना कहीं सुधरते जा रहे हैं। अगर टोटल कोरोना नेगेटिव डिस्चार्ज की बात करें तो अब तक 591 कोरोना डिस्चार्ज अब तक यहाँ से हो चुके हैं और अगर टोटल कोरोना 2 बार नेगेटिव की बात करें तो 517 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर इलाज चल रहा है। साथ में अगर एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस भी अब काफी कम नजर आ रहे हैं। अगर टोटल कोरोना डेथ की बात करें कोटा की तो 19 टोटल कोरोना डेथ हुई है। बिल्कुल, तो मनीषा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है वहीं कहीं ना कहीं जो कोरोना जो पेशेंट हैं वो लगातार अस्पतालों से डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, ये एक राहत की खबर है। जी मनीषा, बिल्कुल राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रदेश में आज 67 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और लगातार अपडेट भी हम आपको हर जगह से दे रहे हैं। अजमेर के ब्यावर से अब खबर है जहां प्रताप नगर में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। एक ही परिवार के 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन ने पॉजिटिव आए मरीजों को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया है। स्थानीय क्षेत्रवासियों की सैंपलिंग प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। एक और कोरोना वायरस पॉजिटिव शहर के मास्टर कॉलोनी से निकलकर सामने आया है और प्रशासन अब इनकी हिस्ट्री भी खंगाल रही है। नगर परिषद प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव भी करवा दिया है।
ब्यावर से हमारे संवाददाता सौरभ माथुर फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए एक परिवार के 4 कोरोना पॉजिटिव मिलना, क्योंकि ये जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर भी गए होंगे और लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से किन किन लोगों से ये मिले होंगे और अभी फिलहाल क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल मनीषा, हम बताना चाहेंगे कि अजमेर के ब्यावर में आज कोरोना विस्फोट हुआ और एक ही परिवार के 4 जने कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनकी जो मदर थी वो एक ब्यावर के निजी चिकित्सालय में भी भर्ती थी, जिनकी देर रात मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में निजी चिकित्सालय को भी प्रशासन ने सीज कर दिया है और सैनिटाइज किया गया है। वहाँ से जो भर्ती मरीज थे उनको राजकीय अमृतपुर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और पूरे प्रतापनगर क्षेत्र के अंदर चिकित्सा विभाग के टीमों ने सैंपल लिए हैं और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी वहाँ लगातार लोगों के सैंपल ले रहे हैं। मनीष जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका बहुत शुक्रिया। तो एक साथ में एक ही परिवार के 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और अब लगातार हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है, कहां कहां वो लोग गए थे, किन किन रिश्तेदारों से वो मिले थे, क्योंकि तभी इसे कंट्रोल किया जाएगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।